नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं कि रेलवे की जो नई वैकेंसी आई है जो लोको पायलट की, उसके विषय में। तो हमको टाइप कर लेना है freejobalert.com और खुलेगा, देख रहे हैं आप, ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है। उसमें लेटेस्ट ले लेना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ओपन हो रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आगे देख रहे हैं आप, फिर रेलवे वाला में देख रहे हैं आप। रेलवे वाला में ये आज ही के दिन 3/2/2018 को ये दिया है आरआरबी की तरफ से, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का ये। और ये जो है 10th पे है, आईटीआई है, और लास्ट डेट इसका 3/5/2018 है। और भी इंफॉर्मेशन जानना क्लिक कर दें, और इसमें विस्तृत जानकारी यहाँ पे देख रहे हैं आप। आरआरबी रिक्वायरमेंट 2018 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 26,502 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी हैज़ पब्लिश्ड है नोटिफिकेशन फॉर द, मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब 26,502 असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये दिए हैं। और वैकेंसी जो डिटेल्स है, टोटल 26,502 है, और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 17,673 है, और टेक्नीशियन के लिए 8,829 है। अहमदाबाद में 164 है, अजमेर में 1,221 है, अलाहाबाद में 4,694 हैं, बंगलोर में 1,054 है, भोपाल में 1,669 है, भुवनेश्वर में 702 है, बिलासपुर में 995 है, चंडीगढ़ में 1,546 है, चेन्नई में 945 है, गोरखपुर में 1,588 है, गुवाहाटी में 422 है, जम्मू में 367 है, कोलकाता में 1,824 है, मालदा में 880, मुंबई 1,425, मुजफ्फरपुर 465, पटना 454, रांची 2,043, सिकंदराबाद 3,262, सिलीगुड़ी 477, और तिरुवनंतपुरम में है 345। इसका एज जो देख रहे हैं 18 से 28 चाहिए, और SC ST में 5 साल का छूट है, OBC में 3 साल का, और UR ये देख रहे हैं आप 10 का है, 1-13 का है, और PWD ये सब में 15 है। और इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। पोस्ट ए के लिए रखा गया है कि आदमी को मैट्रिक पास होना चाहिए, NCBT या SCBT से ITI किया हुआ होना चाहिए, और उसका जो ट्रेड है वो कुछ इस प्रकार है, वेल्डर कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन कर सकता है, फिटर कर सकता है, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मतलब कह लीजिए कि डिप्लोमा कोर्सेज जिनका होगा वे कर सकते हैं। वेल्डर शायद नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान से देखने पे तो इसमें वेल्डर नहीं दिखाई दे रहा, माफ़ कीजिए गलती से बोल दिए होंगे उस समय बिना देखे। और बी के लिए 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ITI में भी SCBT NCBT होना चाहिए। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट BCBT एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम फी बता दें आपको, 500 रुपया लगेगा केवल OBC के लिए, OBC के लिए 500 और जनरल के लिए 500, और बाकी सब के लिए 250 रुपये लगेंगे। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये अप्लाई होगा 3 तारीख दूसरा महीना 2018 से, और ये 5 तारीख तीसरा महीना 2018 तक होगा, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसकी मतलब वेबसाइट पे आप जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हम बताएंगे आपको अगले दिन अप्लाई कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।